कल बजट आ गया है। जी हाँ, सबको यही आशा थी कि बजट बहुत अच्छा होगा, जनता जनार्दन के लिए इस पर इसका बहुत असर पड़ेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। जहाँ किसानों को इतना भारी भरकम उन्हें फ़ायदा हुआ है, उनको उनको कई करों से निजात दे दी गई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके बारे में काफ़ी खींचातानी कर रहे हैं। शायद अगर अगले साल चुनाव नहीं होते तो शायद बजट शायद इस तरह की दिवाली नहीं मन रही होती। एक नज़र डालते हैं इस बजट की कॉन्फ्रेंस पर। जो आपसे जानना चाहूँगी कि आप वित्त मंत्री को क्या कहेंगे, बजट का बाजीगर, वोटों का सौदागर या फिर और कुछ? मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत योग्य वित्त मंत्री के रूप में देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आम सोच था कांग्रेस पार्टी का कि हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से अलग अपने आप को नहीं कर सकते, ग्लोबलाइजेशन से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, और हम लोगों ने जो रणनीति बनाई, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी, राजीव गांधी जी ने प्रारंभ की थी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, जो हमने उस समय बीज बोए थे, अब उसके फल दिखने लगे हैं। और इसीलिए जो बयानसी की जो बात कर रहे हैं, जो हमारे करों में वृद्धि हुई है, हमारे रेवेन्यू में वृद्धि हुई है, आज वही कारण है कि जिसकी वजह से आज हम लोग ये सोशल सेक्टर के जो स्पेंडिंग्स हैं, शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान में, स्वास्थ्य में, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में, सोशल सेक्टर्स में अधिक पैसा खर्च कर पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को कंसेशंस अगर नहीं देंगे तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम हो जाएंगे तो हमारी वैलेंसी खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत ही जो बैलेंस उन्होंने जो स्ट्राइक किया है हमारे बजट में, वो प्रशंसनीय है। सर, ये बताइए कि पिछले चार सालों में क्यों कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, पांचवें साल में आज आप? बात यह है कि सोची समझी रणनीति थी। केंद्र सरकार ने जब ये महसूस किया तो बड़े पैमाने पे आत्महत्या हो रही है, रूरल इंडेबटेडनेस बढ़ती जा रही है, आम किसान जो है वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग में जब बैंकों से कर्जा इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि ओवरड्यू हो चुका है जी। इसलिए ये सारी स्वास्थ्य चीज़ें सोचकर हम लोगों ने निर्णय लिया है, और हर चीज़ का समय होता है क्योंकि सोच विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए, और ये बड़ा सोचा समझा निर्णय है, इसको आप चुनाव से मत जोड़िए। सर, क्या ये समझा जाए कि चिदम्बरम जी ने सोनिया जी को जल्द चुनाव लड़ने का एक संकेत दे दिया है? संकेत चिदम्बरम जी नहीं देंगे, संकेत सोनिया जी देंगे चिदम्बरम जी को। अच्छा सर, ये बताइए कि आप बजट को क्या कहेंगे, बैड पॉलिटिक्स या बैड इकोनॉमिक्स? इट इज गुड पॉलिटिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स बोथ। सर, लास्ट क्वेश्चन, कितना रिस्पॉन्सिबल है एक बजट चुनाव में आने के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए, सरकार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है बजट? बात देखिए, बजट से ना कोई चुनाव जीतता है ना कोई हारता है। हम लोग जो है इसको मीडिया टोटली इसको रिलेट कर रहा है चुनाव के साथ, जो सही नहीं है। मूल बात यह है कि हम लोगों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को देखा है कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो घटता जा रहा है। जो अमीर गरीब, जो रूरल और अर्बन डिवाइड हो रहा है, उसको पूर्ति करने का एक ही कारण तरीका है कि हम जो किसानों का, जो कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स का जो क्रेडिट चेक चौक हो गया है, जो ओवरड्यू पैसों को नहीं मिल पा रहा है, उसको खोल देने से वो आत्मनिर्भरता उसकी मनी लेंडर से सब खत्म हो जाएगी, और वो यहाँ से बैंकों से सस्ते दरों पर ब्याज पर कर्जा ले पाएगा। सर, तो यानी कि ये समझा जाना चाहिए कि हालांकि जो बजट है पॉलिटिकल ड्रिवन हो भी, लेकिन आम जनता के लिए आने वाले दिनों में ये अच्छा साबित होगा? निश्चित तौर पर अच्छा साबित होगा, देश के लिए अच्छा साबित होगा, किसानों के लिए और हर सेक्टर के लिए अच्छा साबित होगा। बजट चाहे जैसा भी हो, कई लोग ये कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, यानी कि बजट जो है ये पॉलिटिकल ड्रिवन है, लेकिन क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो बजट है ये एक अच्छा साबित हो। और सिर्फ बजट ही नहीं, क्योंकि कल बजट आया है, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस बजट में जो मुद्दे आए हैं उनका सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना।